दूध। ओ रक्षित, बुआ। ओ रक्षित, ओ चाचा। ओ चाचा। ओ रक्षित, ओ नम ओ नम नम। राधे 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 राधे। आएगा जाऊं मैं। सभी को राधे राधे। एक और मेरे दिन की शुरुआत हो रही है सुबह की 11 बजे। अभी तक पूजा वूजा चल रही थी ना, तो लाउड स्पीकर की काफ़ी सारी आवाज़ आ रही थी। मैंने कई बार ट्राई किया कि ब्लॉग शुरू कर लेता हूँ, पर हो नहीं पाया था, काफ़ी आवाज़ आ रही थी। फिलहाल अब शुरू कर लेते हैं ब्लॉग। हेलो मित्र, सब लोग उनका पहला बड़ा हुआ नमस्कार, स्वागत मेरे को नई ब्लॉग में। होप तुम सब ठीक नीला मल एकदम झक्का। तो एक और ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है मेरे खूबसूरत से गांव बोकटा से। आज भागवत का 7वां दिन है। कब 6 दिन भी बीत गए ना, बिल्कुल पता ही नहीं चला। इन 6 दिनों में जो गांव की यूनिटी थी ना, वो देखने को मिली। और क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सब लोग मिलजुल कर ये काम निभा रहे हैं। सभी में अपने गाँव वालों का साथ में, कोटी गाँव के जो लड़के काम करने आते हैं, बाकी जो भी इस मंदिर पे आए उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। माता रानी आप सभी के घरों में कुशल मंगल बनाए रखे। तो आज 7वां दिन है भागवत का। अभी तक मैं मंदिर में भी नहीं गया, पूजा वूजा चल रही थी, ट्राई किया ब्लॉग बनाने का, अब जाके शुरुआत हो रही है। फिलहाल आपको दे देते हैं एक मौसम का अपडेट। सुबह सुबह तो कोहरा लगा हुआ था, बट अभी ना अब बिल्कुल क्लियर हो गया है मौसम। अभी अभी हल्का हल्का कोहरा कहीं कहीं दिख रहा है, बाकी क्लियर है मौसम। मैं बोल ही रहा था कि मौसम साफ होगा, खाली बादल लगा था, सूर्य देवता जस्ट सर पे लगे हुए हैं। तो कुछ ऐसा हो रहा है अभी 11 बजे का मौसम। अब जाता हूँ मैं भी मंदिर में, टीका चंदन लगाते हैं और जो लोग काम में लगे हो उन सबसे मिलवाते हैं। तब तक आप एक काम कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल में जो नए हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबाए देना फिर, ठीक है। आज बुधवार है तो काफ़ी भीड़ है मंदिर में, दूर दूर से लोग आ रहे हैं माता रानी के दर्शनों के लिए। उसी कड़ी में अभी भी मंदिर में पहुंचे हुए लोग काफ़ी जगहों से आ रहे हैं। आज सुबह से ही आने में है, इस वजह से मुझे भी थोड़ा कम टाइम मिल रहा है। जय हो जय हो जय हो, जय भोले 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 जय हो जय भोले ओम नमः शिवाय। जय हो जय भोले जय भोले जय भोले जय हो। बाबा जी के दर्शनों के बाद अब यहाँ पे हमारा मैन भंडारे के कार्यकर्ता लोग, ये देखो इनकी कार्रवाई सुबह 8 बजे से चालू हो जाती है, रात के 8 बजे तक हमारे सब्जी के कारीगर मुर्रा भोपाल जी, ये राजस्थानी सैप है। कल हमारे दादी भी पहुंचे, हेलो नमस्कार दादी। आज से हम कल तक हम जितना खाना पकाते थे उसमें से आज से 5 किलो ज्यादा आटा पकेगा हमारा, क्योंकि दादी आ गए हैं घर, 5 किलो ज्यादा आटा पकाना पड़ेगा और 2 किलो ज्यादा सब्जी आज से। इसमें क्या है, आलू और सोयाबीन की बड़ी, सोया बड़ी बनेगी आज। और आलू कट चुके हैं अभी, पूरी वाले ठेकेदार साहब नहीं आए हैं, उनका काम बाद में है। बाकी जो भी आए हैं, चाय आई चल रही है उन सबकी। चलता हूँ फिर हम, चलो जय हो। दर्शन के बाद बजने वाले हैं, अब कुछ ही देर बाद होगी कथा शुरू, एक चक्कर जाके आता हूँ। बाद में तो फिर टाइम नहीं मिल पाता, अभी पापा दुकान में ही है, फिर वो चले जाते हैं कथा सुनने, मुझे रहना पड़ता है यहाँ। फटाफट दिखा के आता हूँ माहौल कैसा हो रहा है वहाँ पे। Yeah.
लाइट चली गई है अभी, अब कथा समाप्त ही होने वाली। बहुत भीड़ है आज, जैसे कि बारों के दिन भीड़ होती है ना, ठीक उसी प्रकार से भी तगड़ी भीड़ है आज। तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला ऊपर जाने का। ले जाके आते हैं एक चक्कर, सुनाएंगे आप लोगों को। तो इधर चल चुके हैं खाने की तैयारी। तो आज काफी भीड़ है मंदिर पे, और दूर दूर से सराते लोग पार के हैं। Yeah.
अभी खाना बन रहा है तो खाना खिला रहे हैं बहलो की इधर सब तो धूप भी चली गई है। अब चलते हैं हम भी नीचे की दुकान की ओर। गणेश भाई तो ऊपर आ नहीं पाए तो धूप लास्ट बच रखी है। अब खाड़ियों का जाम लगता हुआ आगे एक हमारे भाई राइडर है इधर हरन मार रहे कब से पीछे से। तो इन भाई को कहाँ से होती है फुर्सत। गणेश भाई तो है दुकान में बिजी। शायद इतने बिजी चल रखे हैं क्या कहें। आज काफी बिजी दिन रहा बिल्कुल मतलब टाइम ही नहीं मिल पाया। अब जाके फ्री हो रहा हूँ मैं। 9 बजने वाले हैं और भजन कीर्तन कब के शुरू हो गए। भोजन भी कर लिया है मैंने। भोजन तो खैर पहले ही कर दिया था। अब चलता हूँ आपको ले चलते हैं कीर्तन मंडली में। होप कि आपको वीडियो अभी तक पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और जो नए हैं सब्सक्राइब भी कर ही देना। मिलते हैं सीधे मंदिर पहुँच। तो आसन पकड़ दिया हम लोगों ने। कल शाम को ठीक 9 बजे का टाइम याद रखना। लाइव स्ट्रीमिंग होगी कल 9 बजे। कल हमारे वहाँ क्या है बेटा भागवत नहीं गिरा हमारी माई ये आज माता सकते हैं 9 बजे बिल्कुल ना बोले। भजन शुरू होने वाले हैं ले चलते हैं आपको भजन कीर्तन मंडली में। ठीक है मैं एक बार सबको किस करना चाहता हूँ। नंदा सुनंदा तू तैण है जाए। ओ नंदा सुनंदा तू तैण है जाए। नंदा सुनंदा तू तैण है जाए। माता गौरी अम्बा तैण है जाए। ओ नंदा सुनंदा तू तैण है जाए। माता गौरी अम्बा तू तैण है जाए। सब्जी की गाड़ी पहुंच चुकी है।
रात्रि चर छन भैया गुरु जी रात्रि चर नगिनो नग। समय काफी हो गया है, आजकल शाम को हाथ मुंह धोना भी नहीं हो पाता, ऐसे ही चल रहा है सब। तो अब सोने की तैयारी है, एडिटिंग वेडिटिंग सब क्लियर हो चुकी है, बस भैया आराम करना है, आराम करना है। सुबह जल्दी उठने की सोच रहा हूँ, वैसे तो रोज सोचता हूँ पर आजकल नहीं हो पा रहा है, बहुत तगड़ा 2-3 बजे ऐसे ही हो जा रहा है। मिलते हैं कल, निराव है कल। तो 9 बजे लाइव होगा, आ जाइएगा 9 बजे, सब जुड़ जाइएगा। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहेगा, हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, और सबसे जरूरी बात स्वस्थ रहेगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय माता।